हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में, जिसमें लेकर आया हूँ दूसरा पार्ट ऑफ हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक एंड क्यूब क्राफ्ट। तो देखिए, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं सिर्फ उसी आइलैंड पे मैंने काम करा था, इस बार मैं दूसरा आइलैंड पे भी आ चुका हूँ। और देखिए, मैंने बहुत सारी प्रोग्रेस कर लिए है। यहाँ पर काउ के स्पोनर लगा लिए हैं, ये कॉल्स के जनरेटर लगा लिए हैं, और आप देख रहे होंगे ये घर है एक विलेजर का। मैंने एक ही छोटा सा विलेजर का घर बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुकान टाइप हो, है ना। तो और मैंने ये खेती बाड़ी कर लिया है, ये पेड़ लगा रखा है यहाँ पर। तो मैं अभी आपको सारा बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा था ऑफलाइन जाकर। ऑफलाइन मैंने ये करा था कि पहले तो मैंने ये विलेजर का घर बनाया, ये मैंने ये चेस्ट ऐसे लगा दिए, कब्रस्टोन का जनरेटर वहीं का वहीं है। और मैंने ये पाथवे बनाकर ना दूसरे आइलैंड पर गया, वहाँ पे मुझे एक आओ का जनरेटर दिखा, तो मैं इसको ले आया यहाँ पे। इसको लाने का एक सिंपल सा तरीका है, बस आपको इसको पिकैक्स से तोड़ लेना है। ऐसे पिकैक्स से तोड़ लोगे ये आपके पास आ जाएगा स्पोनर। अब कुछ नहीं करना, बस ये देखिए काओ स्पोनर लेवल 3, मैंने इसे अपग्रेड कर लिया था लेवल 3 तक। देखिए आप इसे ऐसे सिंपल से लगा देंगे, ये काम करने लग जाएगा। मैं इसको वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आया, इसका एक छोटा सा ये बना दिया मैंने बड़ा सा। और फिर इसमें मैंने ये काउस डाल दी, मतलब डाल आ गई है। और फिर इनको मार के मैंने अपने एक सूट बना लिया। ये देखिए आप साइड में पेपर डॉल पर देख रहे होंगे, वहाँ पे देखिए मेरे पास एक सूट है, मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक लेदर का हेलमेट और चेस्ट प्लेट वगैरह है। तो और मैंने थोड़ा सा ये कॉल्स लाया था, कॉल्स का भी मैं अभी बताऊँगा। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कॉल कहाँ से लाया था, कॉल का जनरेटर। तो मैं कॉल भी उसी आइलैंड से लाया था। मैं जल्दी से उस आइलैंड पे चला जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ आ गया, है ना। अब मैं यहाँ से नीचे गया था, यहाँ एक माइन थी, मैं यहाँ से नीचे गया था। ये लकड़ियाँ तो मैंने लगाई थी ताकि मैं ऊपर आ सकूँ, है ना। ये देखिए यहाँ पर एक पूरी बड़ी माइन है, इस माइन के अंदर आपको बस कॉल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये माइन थी, मैं इसके अंदर गया था, तो यहाँ पे मुझे कॉल लगे हुए मिले थे, मैंने उनको तोड़ा, वो एक ब्लैक से ब्लॉक में बदल गए। और मैं उस पर टच करा तो ऐसे आए थे रिमूव वो जनरेटर, तो मैंने उसे रिमूव करके अपने साथ ले गया था और वहाँ लगा दिए थे। और हाँ, अब मैंने थोड़े से क्विस्ट भी कर लिए थे ऑफलाइन जाकर। और फिर अब मैं ये थोड़े से पोटैटो तोड़ लेता हूँ, इसकी भी एक वो है, क्या कहते हैं उसको, खाना नहीं है भाई, खाना नहीं है। क्विस्ट था, मैंने कई सारे क्विस्ट ऑफलाइन जाकर कर लिए थे कंप्लीट। और अभी ये पोटैटो वाला क्विस्ट है, इसको भी कंप्लीट करना है मेरे को। एक काम करता हूँ, इसकी स्पेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ जिससे कि ज़्यादा पोटैटोज आएँ और मैं थोड़ा अच्छे से कर पाऊँ। या मैं कुल्हाड़ी लाना भूल गया, चलो पहले कर लेता हूँ इसको, फिर कुल्हाड़ी भी ले आऊँगा। और आज मैं करने क्या वाला हूँ, एक तो अपने ट्रीज़ के लिए जगह बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं ट्रीज़ को रख सकता हूँ, मतलब ट्रीज़ लगा सकता हूँ काफ़ी सारे। और एक मैं करने वाला हूँ पम्पकिन का एक वो बनाने वाला हूँ खेत, जहाँ पे मैं काफ़ी सारे पम्पकिन उगा सकूँ। सॉरी मैसेज आ गया। तो चलिए पोटैटोज ख़त्म, अब चलते हैं अपने उस पर आइलैंड पे। स्पोनर को तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपल सा आप इसे तोड़ के ले सकते हैं। मैं ये अंदर जाकर देखिए काउस को मार देता हूँ, देखिए कितनी सारी काउस आ गया है यहाँ पे। इन्हीं काउस को मार मार के मैंने इतनी सारी एक्सपी करी है। देखिए इतनी सारी काउस आ रही हैं, देखिए इससे का मतलब थोड़े से एपिसोड के बाद मैं इसमें एक वो भी बनाऊंगा, मतलब ऑटोमेटिक काउस अपने आप आके नीचे गिरती रहेंगी, मैं उनको मारता रहूँगा। देखिए जो मैं बता दें मैं कैसे लेके आया, तो ये ऐसे ब्लैक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, मैंने इस पर टच करा और ये रिमूव और जनरेटर का आया, इस पर टच कर दिया तो मेरे पास आ गया ये और मतलब जनरेटर। तो इसको मैंने ऐसे यहाँ पर लगा लगा दिया, ये थोड़ी देर में अपना बन जाएगा कॉल, थोड़ी देर में अपना कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। देखिए मैंने वुड भी काफ़ी सारी इकट्ठा कर लिया है, ये एक और आधा स्टैक हो रहा है मेरे पास वुड का। ये रही मेरी एक्स, तो और ये सामान भी भेज देता हूँ मैं, ये स्टिक वगैरह जो ये थोड़ा सा खाने का सामान रख लेता हूँ अपने लिए बस।
पर ये लैग हो रहा है थोड़ा सा। सेल आइटम्स, लेदर बोट्स, इसमें से कुछ नहीं बेचना हमको, हमको बेचना है रो बीफ। और ये बिक गया, ये देखिए अब हमारे पास इतने वो हो गए हैं, ये देखिए। मैं काम कर सकता हूँ क्या? ये होती नहीं कन्वर्ट ऐसे, नहीं तो अच्छी लगती है वुड, है ना? अरे यार ये मैसेज क्यों नहीं जा रहा है, बार बार आ रहा। हाँ तो अब हम अपने काम करते हैं, मैं वुड ले लेता हूँ, वुड के प्लैंक्स बनाकर। ये फिर आ गया, गाइस एक मिनट मैं ज़रा इसका मैसेज। तो गाइस मैं हटा के आ गया हूँ उस मैसेज को, अब हम जल्दी से अपने क्यूब क्राफ्ट सर्वर में चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेट हो जाएगी। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप बिल्कुल नहीं करते हो यार, देखो हमारे पास इतने व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब 30 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम रहती है हमारे पास, मुश्किल से 4 या 5 लाइक होती है हमारे पास बस। मैं देखो अगर आप हमारे साथ ऐसे ही करो तो मतलब हम आपको कैसे सपोर्ट, मतलब अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए कैसे नई नई वीडियोस रखते रहेंगे। आपका सपोर्ट करना भी तो ज़रूरी है ना। मैं चला गया स्काई ब्लॉक में, या आ गया हम वापस अपने वर्ल्ड पे। जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास लकड़ियाँ कहाँ गई मेरी सारी? अरे मेरी एक स्टैक लकड़ियाँ कहाँ गई हैं? मेरे पास अभी एक स्टैक लकड़ियाँ थी, कहाँ गई वे यार? इतनी मुश्किल से यार इकट्ठा कर दी सारी की सारी लकड़ियाँ, चली गई। वाह बताओ यार अब क्या करूँ मैं? कोई नहीं, चलो इतनी तो है, इनसे ही काम हो जाएगा। वैसे तो इनसे ही काम हो जाएगा, मैं सारों के स्लैब कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाद में भी काम आ जाएंगे, कभी किसी दिन बाद में भी काम आ जाएंगे। एक एक्स रख लेता हूँ बस अपने साथ, और ये स्लैब्स। अगर गाइस आपके पास काफ़ी सारा सामान है ना और आप नीचे गिर गए तो आप चिंता मत करिए, आपका सारा सामान सेफ रहेगा। बस आपके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ख़त्म तो नहीं बिल्कुल, मतलब आधे हो जाएंगे। मैं जैसे अभी मेरे पास 758 पैसे हैं, मैं नीचे गिरा अभी तो मेरे पास मतलब आधे पैसे हो जाएंगे, जितने भी हैं ना मेरे पास उसके हाफ हो जाएंगे। तो अब हम बनाते हैं अपना 1 2 1 2 ऐसे कर हमको अब चाहिए डर्ट काफ़ी सारी, इतनी डर्ट होगी उतनी डर्ट का बना देंगे हम। मेरी 26 डर्ट्स हैं, तो फिर तो पंपकिन का तो होएगा नहीं, या नहीं देख लेंगे हम, चलो वहाँ से थोड़ी सी डर्ट मिल जाएगी। ये देखिए इतना काफ़ी होगा, इतने ट्रीज लग जाएंगे मतलब वैसे तो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि हमारी कोई सैपलिंग वेस्ट ना हो जाए, ये थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है इसलिए आवाज़ बाद में आ रही है। ऐसे दो ब्लॉक आगे लेके जाना है इसको बस। मेरी एक्स कहाँ गई? वहाँ मैं एक्स रख के आया। मेरी एक्स, अब मेरी एक्स आ गई है। हाँ वो नीचे गिर गया, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 तीन उधर से भी तीन का ही करना पड़ेगा, एक का तो रहा है, एक हो गया तीन, और इधर से भी तीन का ही करना पड़ेगा। मैं नीचे गिर गया, देखिए मैं बता देना पैसे माइनस हो जाएंगे, आधे तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े तो हो ही जाते हैं। ये मैंने यहाँ गलत गलत लगा रखा, हमेशा तो आधे ही माइनस होते हैं, वो कभी कभी होता है ऐसा कि
कम माइनस होते हैं, हमेशा तो नहीं तो आधे ही माइनस होते हैं। ये गलत लगा दिया मैंने यहाँ पे। यह देखिए अब यहाँ से आराम से निकल जाऊँगा मैं। हाँ अब ठीक है, हो गया हमारा शॉप सी तैयार। सॉरी गाइस, सॉरी, छींक आ गई थी मुझे। आप चाहे तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हैं, उसके लिए आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। अभी इतना काफ़ी रहेगा, मैं यहाँ पे बाद में सैम्पलिंग्स लगा दूँगा। और अब मुझे चाहिए शवल, ये रहा शवल। वहाँ से जो भी डर्ट फालतू की लग रही ना उस आइलैंड पे, वो ले आता हूँ मैं जाके जल्दी से। पंपकिन फार्म में काफी सारी डर्ट लगने वाली है हमारी। इसलिए मैंने काफ़ी सारे डर्ट ले रहा हूँ मैं। मैं पूरी 3 रो बनाऊँगा। हाँ 3 रो ठीक रहेंगी। और मैं ऑफलाइन में जाकर ना इसको थोड़ा सा, ये प्लेटफॉर्म है इसको भी बड़ा करूँगा मैं ऑफलाइन जाकर। और मैं सैपलिंग्स नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है। तो कोई ना, अभी तो हम पम्पकिन फार्म बना रहे हैं। और देखिए मैं पम्पकिन फार्म कैसे बनाऊंगा, मेरे पास ये वाटर बकेट है ना, इससे बनाऊंगा मैं पम्पकिन फार्म। तो हम किधर की साइड बनाएं, यहाँ से एक पाथवे ले लेते हैं, दो ब्लॉक का इधर से एक पाथवे ले लेते हैं। हाँ ऐसे ठीक रहेगा। एक और आके अब यहाँ से बनाते हैं, दो और ये 3, 1 2 3। अब ऐसे यहाँ पर डर्ट लगानी है। अब हमको एक काम करना है, पानी यहाँ पर डालना है, डर लगा रही है। ये जा क्यों नहीं रहा है भाई, नेट तो ठीक आ रहा है हमारा। वो मैं एक डर नीचे गिर गई, नेट तो ठीक आ रहा है हमारा, ये जा क्यों नहीं रहा पानी नीचे। हाँ अब गया ना। अच्छा तो अब हमको करना क्या है, यहाँ जाना है, नीचे नहीं गिरना, बस नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं। अच्छा अब हमको यहाँ पे कैसे लगा के ऐसे कर देना है। अरे एक मिनट एक मिनट, अरे नहीं नहीं नहीं, फिर मैं नीचे गिर जाऊँगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा ना, तो फिर मैं नीचे गिर जाऊँगा। मुझे इसे खुद ही करना पड़ेगा। ए अभी नहीं लगा गाइस, एक काम करता हूँ, 1 2 ऐसे लगेगा ये। अब इसको आपको भी ऐसे ही लेके चला है। यहाँ पे भी डर्ट ही लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, डबल जगह डर्ट रहेगी ना, फिर काम अच्छे से होगा। अब मैं यहाँ से बस बंद कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ से भी। अब यहाँ से करना पड़ेगा ऐसे, अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा ये फार्म हमारा। मैं यहाँ पे एक वाटर बकेट डाल देता हूँ, ये बिल्कुल एंड तक चली जाएगी। हो गया हमारा फार्म कंप्लीट। अब बस इसके ऊपर हो इसे मुझे वो करना है, गलत लग गया सॉरी, जल्दी। और इसको मैं फेंस अप भी कर दूँगा बाद में, फेंस अप करके ठीक लगेगा ना ये।
मतलब क्या काम करना है, थोड़ी सी क्विस्ट कर लेंगे एक आधी, बस फिर हो गया हमारा काम वीडियो का आज का। पम्पकिन सीड भी अभी ले लेता हूँ, मेरे पम्पकिन सीड्स। आपको पम्पकिन सीड भी अच्छे से लगाने, मतलब ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल मिला के लगा देंगे, या नहीं वैसे लगा भी सकते हैं, मिला के ज़्यादा अच्छे काम करेंगे वह, तभी पता चलेगा जब वो ग्रो हो जाएगा, पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा ना, कि वो अपना सीड कहाँ लगाएगा, मतलब पम्पकिन कहाँ उगाएगा अपना। अच्छा ये हो गया, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ मैं ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही कर देता हूँ, ये हो गया। हो गया हमारा, अब देखते हैं क्विस्ट क्या है। अरे भाई ओ ऐसे दिखेगा नहीं, तो कोई नहीं, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा अपना काम। पम्पकिन स्लेयर हार्वेस्ट 50 पम्पकिंस हो जाएगा, ये भी हमने पम्पकिन का बना दिया। लॉग 4 डेज, हमें 200 लॉग्स इकट्ठा करने हैं, ये भी हो जाएगा। मैंने ये ट्री बना रखा है यहाँ पे बड़ा सा, एक मतलब एक छोटा सा ट्री फार्म बनाया था मैंने यहाँ पे। देखिए कैसी आवाज़ आई थी, एक हॉरर सी थोड़ी। मैं इसके अंदर जल्दी से सैपलिंग निकाल लेता हूँ, तो उसके बाद अपने ट्री फार्म में लगा लूँगा। गाइस मैं जल्दी से इसको तोड़ लेता हूँ, थोड़ा लैग हो रखता है कभी कभी। मैंने ये टॉर्च क्यों हाथ में ले रखी है, शवल ले लेता हूँ, नहीं ये ब्रेक हो जाएगा। ये टूट गए सारे, अब हमारे पास सिर्फ 5 सैपलिंग आई है। देखो यार कितनी ज़्यादा वो गलत बात है इनकी, इतना बड़ा ट्री था सिर्फ 5 सैपलिंग्स आई हैं। अरे क्या खोल रहा, मुझको चाहिए सैपलिंग्स जो मेरी थी पहले से, और यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ी देर में अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। बस यहाँ से नीचे नहीं गिरना, ये हो गया। बीट रूट भी मुझे हार्वेस्ट करनी है, तो इसे भी तोड़ देता हूँ मैं सारे बीट रूट्स को। मैंने ये इसलिए इतना बड़ा फार्म बनाया था बीट रूट का, जिससे कि आराम से ये हो जाए ये वाला। ये टूट गए सारे बीट रूट्स, अब मैं लगा देता हूँ इसको यहाँ पे। ओए भाई मैं अभी नीचे गिरने वाला था, तो अपने इसे बेस को भी मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा ऑफलाइन में जाकर, एक दो लेयर। मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, फिर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सारा काम। थोड़ी सी काउस को मार लेते हैं, या छोड़ रहे हैं दो, अभी नहीं मारते काउस को, अभी जीने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी हमारे पम्पकिन है, और ये देखिए विलेजर भाई साहब ऊपर चढ़ के बैठे हैं। मैं आपको बता, आपको अगर नहीं पता ना ये विलेजर को ऊपर मैंने कैसे चढ़ाया, आपको सिर्फ क्लिक करना है डिसमेंटल शॉप, आपको ऐसे करना है, और आपको जहाँ पे भी विलेजर को लेके जाना है, जहाँ पे भी आप पहले उस जगह के ऊपर खड़े हो जाइए जाकर। ऐसे मुझे विलेजर को यहाँ लाना है, यहाँ पर एक मिनट, मुझे विलेजर को यहाँ पे लाना है,
तो इस पे जाइए, स्काई ब्लॉक मेन्यू पे प्ले शॉप पे टच कर दीजिए। एयर में नहीं कर सकती, एयर कहाँ है भाई। चलो कोई नहीं, हम यहाँ कर देते हैं। ये देखिए ये विलेजर यहाँ पे आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी थीम बना के उसके ऊपर इसको खड़ा कर दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है ये। मैं जल्दी से पोटैटोज़ भी तोड़ लेता हूँ। अरे भाई 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 भाई, डर्ट टूट गई यार, जगह जगह की, यार जगह जगह की डर्ट टूट गई, शवल से तोड़ना गलत था। ये तोड़ दिया हमने, एक इसको भी तोड़ देता हूँ। सॉरी गाइस, देखिए 55 पोटैटोज आ गए। अब इसमें कुछ पोटैटोज को बेक भी करना है, बेक मैं देख लेता हूँ, इसमें से ही देख लेता हूँ कितने पोटैटोज को बेक करना है। हमको करना है 15 पोटैटोज को, तो मैं 15 पोटैटोज बचा लूँगा, उनको मैं बेक कर दूँगा। अभी तो काफ़ी है, चलो अभी तो उगा देता हूँ। और 36 है अभी तो, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, वहाँ पे भी लगा देता हूँ। चलो हमारे पास बच गए काफ़ी सारे पोटैटोज, मैं ये पम्पकिन को भी तोड़ लेता हूँ, मेरी भी थोड़े अचीवमेंट की कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से भी। चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मतलब अपने वापस से बेस पे चलते हैं। वो देखिए हमारे सामने ट्रीज उग गए, देखिए सारे एक साथ उगे हैं। मैं थोड़ी बीट रूट खा लेता हूँ। छोड़ो इसको छोड़ो, मैं अपनी स्टीक खा लेता हूँ जो मैंने पकाई थी। गाइज अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, उससे आपको सारा समझ आ जाएगा कि मैंने पिछले एपिसोड में क्या करा था और इसमें अब क्या कर रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे आप पहले पिछली एपिसोड जाकर देखिए, फिर ये देखिए, उससे आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। मैं ये जो सीड्स हैं वो बेच देता हूँ, इतने बीटरूट के सीड्स ये जाए 47 के। मैं इतने काउज मार लेता हूँ जितने मेरा ये पकता है, पोटैटोज पकते हैं। फिर इसके बाद हम अपने इसे वीडियो को एंड कर देंगे, दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। इसको अपग्रेड करना चाहूँ तो कितने में होगा यार, काफ़ी महंगा है अपग्रेड करने के लिए। देखिए जब आपको अपग्रेड करना है ना, तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ये दिखा देगा आपको क्या क्या चाहिए, आपको कॉइन्स इतने चाहिए, लेदर इतने चाहिए, फिर उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अपग्रेड करने से अच्छा है कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं ना, तो आप एक नया स्पॉनर खरीद लीजिए और उसे भी यहीं पे लगा दीजिए, जिससे कि यार आपका काम और अच्छे तरीके से हो। मैं देख लेता हूँ वो कितना हुआ है, अभी तो काफ़ी होने हो रहे हैं अभी तो। गाइज अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आप हमारी और मतलब जो अपकमिंग वीडियोज है ना वो भी देख पाएंगे। आने वाली वीडियोज में हम आपको काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें बताएंगे, जैसे एक्सपी फार्म और ये स्काई ब्लॉक की सीरीज़, सर्वाइवल सीरीज़, कई सारे न्यू मॉड्स, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, बस नीचे जाइए रेड कलर का बटन दिखेगा, उसको आपको बस ग्रे करना है, क्लिक में आपका हो जाएगा काम, हमारी भी मदद हो जाएगी थोड़ी। ये पोटैटो बन रहे हैं, एक पोटैटो और चाहिए बस बेक वाला, हमारी ये अचीवमेंट कंप्लीट। अब कुछ ज़्यादा ही हार्ड हार्ड अचीवमेंट आ रही है, देखिए एक अचीवमेंट और आ गई, कुछ लॉग्स फॉर डेज तो चला रहे हैं हम अपनी पोटैटो फार्मर। हार्वेस्ट 128 पोटैटोज, ये देखिए कितनी खतरनाक, मतलब कितनी हार्ड है ये, क्या है हार्वेस्ट बीट रूट, ये भी काफ़ी हार्ड है लेकिन हो जाएगी। लॉग्स फॉर डेज इसको देखेंगे हम, इसको मैं ये लास्ट बार ये ट्री तोड़ लेता हूँ,
देखिए सारे वुड कैसे एक तरह से आ रही हैं, इसलिए मैंने ऐसे एक साथ लगाई थी, इससे कि अच्छा से एक फार्म बन जाए, मतलब काफ़ी अच्छी वुड देगा ये मुझे। और गाइस अगर आपको इस सर्वर के बारे में कुछ और भी अच्छी चीज़ें बताएं तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मैं आपको उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और बना के दिखाऊंगा, मतलब थोड़ी उससे रिलेटेड चीज़ें। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, तो गाइस अब करते हैं अपनी वीडियो का एंड। वन मिनट, मैं ज़रा थर्ड पर्सन में चला जाऊँ। ये देखिए हमारी ओए नीचे निकल गया भाई। ये देखिए जैसे ही वीडियो एंड हुई डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सर्वर। चलो कोई बात नहीं, अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।